जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जी हाँ, आज पृथ्वी दिवस टीआरएस कॉलेज में मनाया पृथ्वी दिवस, पृथ्वी को बचाने के उपाय का किया सेमिनार। कहा जाता है पृथ्वी स्वर्ग से बेहतर है, तभी तो पृथ्वी के मनमोहक दृश्य देखकर आकाश भी सतरंगी इंद्रधनुष को बिखेरने लगता है। इस महान पृथ्वी को बचाने के उपाय खोजने के लिए रीवा के सबसे बड़े कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें, पृथ्वी ही ऐसा एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। इसके तीन हिस्से में जल और एक हिस्से में पानी है। पृथ्वी में वनस्पतियां और समृद्ध जैव विविधता का भंडार है। जमीन के नीचे भी जैविक और अजैविक तत्वों की विशाल श्रृंखला है। वहीं समुद्र में भी करोड़ों तरह के जीव मौजूद हैं। प्रकृति का संतुलन इस तरह का है कि सभी जीवों को पोषक तत्व किसी न किसी रूप में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, प्रदूषण भरी जिंदगी में पर्यावरणीय समस्याओं ने जन्म ले लिया है। भूमि, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण के कारण जैव विविधता खतरे में है। बदलता मौसम पर्यावरणीय दुष्परिणाम का नतीजा है। आज हमने विकास के नाम पर पृथ्वी के साथ आकाश और सौरमंडल को भी नहीं छोड़ा। कहा जा सकता है पृथ्वी पर हमने इतने अत्याचार किए हैं कि पृथ्वी पर मानव सभ्यता या यूं कहें जीवन ही खतरे पर नजर आ रहा है। इसी बात को लेकर टीआरएस कॉलेज में अंतरिक्ष वातावरण का पृथ्वी पर प्रभाव को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। ये आज का जो सेमिनार हमारे भौतिक विभाग ने आयोजित किया है, ये आज पूरे विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस है। आज के दिन का चयन हमने इसलिए किया है, ये पूरा का पूरा सेमिनार है इस बात पे आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब जब हम विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, तो उसमें ये देख हमने उसका जो टॉपिक लिया है वो ये देखने के लिए लिया है कि किस तरह से जो पृथ्वी के बाहर का जो एटमॉस्फियर है, जो पर्यावरण है, वो किस प्रकार पृथ्वी को प्रभावित करेगा, उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। हम बाहर के वातावरण में जाके उसको तो नहीं परिवर्तित कर सकते, हम पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी को किस प्रकार बना सकते हैं कि और उसको मजबूत कर सकते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, उसके पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे बाहर से आने वाले जो आवेशित कण हैं वो हमें नुकसान न पहुँचा सके। उसी विषय को लेकर आज का ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन रखा गया। मेन चीज़ ये है कि जो ये अर्थ इन्वायरमेंट है, मतलब उसका इफेक्ट जो पृथ्वी पर पड़ रहा है, उससे जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उसका ह्यूमन बॉडी में भी निगेटिव असर आ रहा है। इस पे इसका क्या कारण है, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये मेन थीम रहेगा हमारे इस कॉन्फ्रेंस का। मेन थीम ये है कि हमको इस पर विचार करना है कि ये जो स्पेस एनवायरनमेंट के कारण पृथ्वी पे जो ह्यूमन डेंजर्स स्टार्ट हो रहा है, उसको मिनिमाइज करने के लिए कितने मेथड, कितने रिसर्च पेपर्स, कितने शोध हम कर सकते हैं कि इसको मिनिमाइज करके हम लाइफ को सेव करें।